उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में चक्रवात दाना ने दस्तक दे दी है। यहां लैंडफॉल जारी है। तटीय इलाकों में तेज आंधी के साथ बारिश हो रही है। तूफान के कारण उड़ीसा के धामरा समेत कई इलाकों में पेड़ उखड़ गए हैं। दाना तूफान के कारण 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। तूफान उत्तर उड़ीसा तट को पार कर गया है और आज दोपहर तक तूफान के उत्तर उड़ीसा में पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने के आसार हैं। दाना तूफान के चलते ट्रेनों और उड़ानों पर रोक लगा दी गई है और साथ ही 5.84 लाख लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया गया है। भद्रक केंद्रपाड़ा में 30 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश का अनुमान है। तूफान का असर 7 राज्यों में देखने को मिल रहा है। यहां तबाही का अलर्ट किया गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइक्लोन दाना को लेकर राज्य की तैयारियों का आकलन करने के लिए उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी से फोन पर बात की। बातचीत के दौरान मांझी ने निकासी प्रयासों और जमीनी स्तर पर राहत बचाव और चक्रवात के बाद की बहाली की निगरानी के लिए मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री को आश्वासन दिया कि राज्य तूफान से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एनडीआरएफ, ओडिशा आपदा त्वरित कार्रवाई बल और अग्निशमन दल संवेदनशील जिलों में तैनात है।